Actor Akshay Kumar chose a taboo subject that touches upon the issue of sanitary napkins, which mostly none would like to make a movie on. However, here is a superhero who is said to present himself as the Padman. Kumar is seen wearing a pad in the movie. Here he shares his experience. Other people's reaction, I'll tell you that in our country, I was shooting in a place, so we took some local actors on the shooting. तो दो दिन उन्होंने काम किया. तीसरे दिन में ये शूटिंग का था कि उनको हाथ में पैड पकड़ना है. यू विल नॉट बिलीव, वो भाग गए. बिकॉज बोला कि नहीं, हम वी विल नॉट होल्ड द पैड बिकॉज ये एक पाप है. दिस इज द थिंकिंग. सो वो भाग गए और हमको फिर एक दो दिन की रीशूटिंग करनी पड़ी. सो दैट वॉज एन एक्सपीरियंस. बट द मोस्ट एक्सपीरियंस वॉज वेन जो कि मुर्गनाथन ने खुद किया, अपने ऊपर टेस्ट किया. व्हेन ही वोर अ सैनिटरी पैड, और जो मुझे बालकी साहब ने करवाया, आई हैड टू वेयर अ पिंक पैंटी विद अ सैनिटरी पैड एंड आई वोर इट माई सेल्फ एंड आई वॉज डूइंग द होल सीन. सच कहे तो, झूठ नहीं बोलूंगा, 15 सेकंड मैंने जरूर सोचा कि अब ये कैसे करूँ. बट इट वॉज एन एक्सपीरियंस एंड आई डिड इट एंड आई एम प्राउड ऑफ. Well, the film is inspired by the life of Coimbatore-based Arunachalam Murugannatham. Padman also features Radhika Apte and Sonam Kapoor in pivotal roles.